Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing tissue and today we are going to discuss connective tissue. This is a lecture number 10. I hope you have already watched part 1 to part 9 before watching part 10. So connective tissue kya hai aur iske bare mein hume aaj seekhna hai, hume samajhna hai ki connective tissue kaise kaam karta hai. Jaisa ki naam se hi hai, connective tissue नाम है कि कनेक्ट कर रहा होगा, एक ऐसा टिश्यू जो किसी ने किसी को कनेक्ट कर रहा हो. अब किसको कनेक्ट करेगा? कनेक्ट करने के लिए बॉडी में क्या है? तो बॉडी में कनेक्ट करने के लिए जैसे बोन को बोन से कनेक्ट करना, जैसे बोन को मसल से कनेक्ट करना, मसल को स्किन से कनेक्ट करना. इसका मतलब ये है कि ऐसा टिश्यू जो एक दूसरे को कनेक्ट करने के काम करता है उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. आप किसी चीज को कनेक्ट करना होता है, जोड़ना होता है, तो क्या करते हैं? उसे रस्सी से बांध देते हैं, एक रोप से बांध देते हैं, या कोई एडहेसिव से चिपका देते हैं, फेविक्विक और लाइक दिस गम और फेविकोल टाइप से. तो एडहेसिव से आप कनेक्ट करते हैं, लकड़ी कनेक्ट करता होता है, फेविकोल से चिपका देते हैं, कोई और पेपर कनेक्ट करना होता है, आप फेविक्विक से चिपका देते हैं, या कुछ और कनेक्ट करना होता है. इसी तरीके से जब कनेक्ट करने के लिए एक ऐसा बॉडी में, लिविंग बॉडी में एक ऐसा टिश्यू जो बॉडी को कनेक्ट करता हो उसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू. हमारा बॉडी जो बना है उसमें भी कनेक्ट किया हुआ है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है बॉडी का जो भगवान ने असेंबल कर दिया है. जैसे ये एक हैंड है, इसके बीच में मसल्स हैं, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, नी में ज्वाइंट है, नेक में ज्वाइंट है, एवरीवेयर देयर इज ए ज्वाइंट. एंड ये ज्वाइंट मिल करके इनको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? वो कनेक्टिव टिश्यू करता है. जैसे हम अगर बॉडी को देखें, एक ये स्केलेटल को देखें, तो इस स्केलेटल को देखने के बाद भी आपको पता चलेगा कि इस स्केलेटल में अलग अलग यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ भी ज्वाइंट है, इसी तरह से ये नेक पे भी ज्वाइंट है, इन सब जगहों पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है. नी रिप्लेसमेंट हो जाती है, नी की ज्वाइंट अगर खराब हो जाती है तो रिप्लेस कर दिया जाता है आजकल मेडिकल साइंस में, तो आपने सुना होगा ऐसा. यानी इसका अर्थ है कि हर एक ज्वाइंट पर कोई ना कोई टिश्यू है और ये टिश्यू बोन से बोन को ज्वाइंट कर सकता है, बोन से मसल्स को, इसके कवरिंग मसल्स को ज्वाइंट करता है. अगर बोन और मसल्स कनेक्ट ना हो, ज्वाइंट ना हो, तो बोन अलग रहेगा, मसल्स अलग रहेगा, सपोर्ट नहीं मिल पाएगी, ना तो मसल को सपोर्ट मिल पाएगी, बोन को भी सपोर्ट नहीं मिल पाएगी, और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो सब कुछ नहीं होगा. इसी तरह से मसल्स को स्किन के साथ कनेक्ट करना है तो वो भी एक कनेक्शन है कि मसल को स्किन के साथ कनेक्ट किया गया. अर्थात कनेक्टिव टिश्यू क्या है जो कनेक्ट करे, किसको कनेक्ट करे? वन बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्ट करे, उसे हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू, राइट? सो ये कनेक्टिव टिश्यू भी सेल से बना होगा. अब इसके सेल किस तरह से होते हैं? द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड इम्बेडेड इन इन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स. अब ये एक शब्द है, इंटरसेल्यूलर क्या है? तीन वर्ड होते हैं, एक इंटरसेल्यूलर, एक इंट्रासेल्यूलर और एक एक्स्ट्रासेल्यूलर. इंट्रा और एक्स्ट्रा दो बेसिकली ये तीन वर्ड है, इनको थोड़ा समझ लीजिए कि इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है. इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स क्या है? पहले तीन वर्ड है, एक होता है इंटरसेल्यूलर, इंटरसेल्यूलर, और दूसरा होता है, या इसी को कह सकते हैं, और एक्स्ट्रासेल्यूलर. एक्स्ट्रासेल्यूलर वर्ड लिखा हो कहीं तो आपको समझने में दिक्कत ना हो. और तीसरा होता है इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर. इंटरसेल्यूलर क्या है? इंटरसेल्यूलर वो स्पेस है जो सेल्स के बीच में हो. ये सेल्स है एक, है ना, और इनके बीच में कोई ये जगह है तो इसको हम कहेंगे इंटरसेल्यूलर स्पेस. या ये अगर कोई पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है तो उसके बीच में जो स्पेस है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में स्पेस है, उसको हम कहेंगे क्या? इंटरसेल्यूलर स्पेस. सेल के दो सेल के इंटर मींस बीच में, दो दो सेल के अंदर जो स्पेस है
दो सेल के अंदर जो स्पेस है लाइक दिस, ये स्पेस जो दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, ये सब है इंटरसेलुलर स्पेस। या अगर ऐसा कोई चीज हो, ये मान लिया जाए और इसमें यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, और ये सारी मटेरियल जो है इसको हम कहेंगे इंटरसेलुलर स्पेस, और या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, दोनों चीजें एक ही है, चाहे हम इंटरसेलुलर इसका नाम दें या चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर नाम दें। इंट्रा सेलुलर, इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा का मतलब होता है कि सेल के अंदर का स्पेस, ये जो स्पेस है सेल के अंदर का, उसको हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर स्पेस, यानी सेल के अंदर का जो स्पेस हो इंट्रा सेलुलर होता है, सेल के बाहर का जो स्पेस है जो दो सेल के बीच में है या उसकी पेरिफेरल मैट्रिक्स में है, पेरिफेरी में है, उसको हम इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर कहेंगे। तो इंटरसेलुलर यानी सेल के बाहर जो मैट्रिक्स है वो किससे बना होता है? सवाल यही है कि ये जो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स है जिसमें ये एम्बेडेड होते हैं सेल्स, ये कनेक्टिव टिश्यू के, वो किससे बना होता है, राइट? तो इनमें जो बनने वाली जो चीज होती है वो होता है ग्राउंड सब्सटेंस और दूसरा होता है फाइबर्स। ये किस तरह के होंगे? ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स आर मेड ऑफ टू थिंग्स, वन इज ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस एंड अनदर इज फाइबर। फाइबर, ये ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर के बने होते हैं। तो ग्राउंड सब्सटेंस किस तरह का होता है और क्या बना होता है ग्राउंड सब्सटेंस के लिए? ग्राउंड सब्सटेंस जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा, इट मे बी डेंस, इट मे बी जेली, मे बी डेंस, हार्ड और एनीथिंग इट कैन बी, इवन इट कैन बी लूजली स्पेस्ड, दे आर लूजली स्पेस्ड, इट मीन्स लूज, इट मे बी डिफरेंट एंड समवेयर दे हैव अ स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, एंड सो ग्राउंड सब्सटेंस कैन बी हार्ड और जेली लाइक और इवन फ्लूड और लिक्विड इवन, सो इट मे बी फ्लूड, जेली लाइक, डेंस और हार्ड, हार्ड डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ टिश्यू, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन ऑफ टिश्यू, फंक्शन ऑफ टिश्यू, राइट ना? इट मे बी हार्ड, इट मे बी डेंस, इट मे बी जेली टाइप, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन ऑफ टिश्यू। सो ये ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है ये होता है। फाइबर जो होता है उसमें क्या होता है? फाइबर बेसिकली जो होता है, फाइबर जैसे कि नाम ही है रेसा, फाइबर लाइक ब्रश के आप जो देखते हैं वो फाइबर, ब्रश का जो ऊपर होता है जिसे हम ब्रश करते हैं, तो फाइबर में तीन तरह के फाइबर होते हैं। और ये फाइबर किससे बना होता है? इट इज मेड ऑफ प्रोटीन, मेड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन। देज आर थ्री टाइप ऑफ फाइबर्स कॉल्ड कोलाजन फाइबर, कोलाजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, कोलाजन फाइबर, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? कोलाजन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर। ये तीन तरह के फाइबर होते हैं। और ये फाइबर किस तरह का काम करते हैं, ये फाइबर के बारे में हम जानेंगे कि ये फाइबर किस तरह के काम करते हैं। क्योंकि सब किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है, और प्रोटीन से बना होने की वजह से ये जो है, ये प्रोटीन से बना होने की वजह से इनमें जो है वो इलास्टिसिटी होती है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ऑलमोस्ट 22% यू कैन से 22% ऑलमोस्ट जो प्रोटीन होता है वो कोलाइजन फाइबर्स में, 20 से 22% प्रोटीन आर फाउंड इन कोलाइजन फाइबर ओनली, राइट ना? तो फाइबर इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड ऑल दीज थ्री टाइप ऑफ फाइबर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑलमोस्ट 20 to 25% ऑफ प्रोटीन ऑफ द होल बॉडी फाइंड इन फॉर्म ऑफ कोलाजन फाइबर्स। कोलाजन का मतलब क्या है, ये रेटिकुलर का मतलब क्या है और इलास्टिक का मतलब क्या है? ऐसा फाइबर, फाइबर फाइबर ही है, सब तो फाइबर ही है। पहला कोलाजन फाइबर लाइक रोप होता है, एक रस्सी की तरह होता है जो पूरी
मैट्रिक्स में, इंटर सेलुलर मैट्रिक्स में फैला होता है, एक रस्सी की तरह चारों तरफ ये फैला होता है, और ये चारों तरफ से एक बाइंडिंग स्ट्रेंथ का काम करता है, और ये प्रोटीन जो है वो बाइंडिंग स्ट्रेंथ का काम करता है, जिससे ये एक टिश्यू को कनेक्ट करने में बहुत मदद करता है और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरा जो है रेटिकुलर फाइबर, ये जाली टाइप का होता है, जालीदार नेट टाइप का नेट, सो इट इज कॉल्ड रेटिकुलर फाइबर। ये जाली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये बॉडी को, ये टिश्यू को, कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो इलास्टिक फाइबर होता है, ये बेंडिंग स्ट्रेंथ के साथ होता है, इसमें इलास्टिसिटी होती है, जिससे हम टिश्यू को, जिस जो कनेक्टिव टिश्यू है वो उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे बॉडी जो होती है वो क्या होती है, मूव कर सकती है, टिश्यू जो है वो मूव कर सकता है, और उसको इस तरह से करता है कि जो ज्वाइंट है वो आराम से मूव कर सके। तो इलास्टिक फाइबर का काम ये है, जो ये काम करता है। ग्राउंड सब्सटेंस जो जेली लाइक होता है, उसके अंदर जो इंट्रासेलुलर स्पेस होती है, उस स्पेस के अंदर ये जो भी मटेरियल होता है, जो ग्राउंड मटेरियल कहते हैं, इसमें जो टिश्यू के बाहर होता है, सेल्स के साथ बाहर होते हैं और दो सेल के बीच में होते हैं, इसलिए इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस नेचर का होगा, फ्लूड होगा कि ये जेली लाइक होगा, कि ये किस तरह का होगा, ये डिपेंड करेगा कि वो टिश्यू किस तरह का है। इट मे बी फ्लूड, फ्लूड कैसे, तो ये फ्लूड हो सकता है लाइक ब्लड में, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड अगर है तो ये फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर होगा, जेली लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, हार्ड हो सकता है, जैसे कार्टिलेज है, बोन है, उसमें जो कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन आ गया, अभी आप पढ़ेंगे, कार्टिलेज जो है ये हार्ड होते हैं, ये इतना सॉफ्ट नहीं होते। तो ये डिपेंड करेगा कि ग्राउंड सब्सटेंस किस तरह का है, ये डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। और ये बहुत ही ज्यादा वाइड रेंज में है, वाइड रेंज में है, इसका मतलब ये है कि बॉडी के छोटे छोटे जो ब्लड है लिक्विड फॉर्म से लेकर के, और जो कार्टिलेज या टेंडन होगा या इस तरीके का, तो ये बहुत हार्ड भी होगा, तो इसका रेंज जो है वो बहुत विशाल है, यानी ये फ्लूइड से लेकर के हार्ड सब्सटेंस तक हो सकता है, हार्ड सब्सटेंस तक हो सकता है, जेली भी हो सकता है, बहुत डेंस भी हो सकता है, और एकदम हार्ड भी हो सकता है, तो रेंज जो है वो बहुत ही बड़ा है। सो इट इज मोस्ट डाइवर्स टाइप ऑफ टिश्यू, वी कैन से इट इज मोस्ट डाइवर्स टाइप ऑफ टिश्यू, मोस्ट डाइवर्स टाइप ऑफ टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू आर मोस्ट डाइवर्स टाइप ऑफ टिश्यू, बिकॉज कि इट हैज वाइड कवरिंग, इट कैन रेंज फ्रॉम द टाइप फ्रॉम फ्लूड टू हार्ड सब्सटेंस, राइट, एंड व्हाट दे डू, दे कनेक्ट बॉडी पार्ट्स एंड होल्ड टुगेदर, इट कनेक्ट द बॉडी पार्ट एंड हेल्ड टुगेदर, द कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट द बॉडी पार्ट एंड हेल्ड टुगेदर, होल्ड टुगेदर बॉडी पार्ट, इट कनेक्ट्स connects the body part to held together, held क्या, hold together, right ना, hold together, एक ही साथ में सबको connect करने के लिए ये काम आता है, इसलिए it connect the body part to hold together, most diverse type of tissue and this is called connective tissue, so आगे अब हम देखें कि ये कनेक्टिव टिश्यू में क्या विशेष है, अगली स्लाइड में देखते हैं। सो लेट अस डिस्कस द टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, राइट, व्हाट आर द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू कैन बी डिवाइड इन थ्री सेगमेंट्स, वन इज कॉल्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव tissue, right, second is called dense connective tissue, dense connective tissue, and the third is specialized connective tissue, connective tissue. Now
we will in this class, although there are more classification, categorized classifications are possible, लेकिन still in अभी इस क्लास के हिसाब से और जो जनरल साधारण नॉलेज के हिसाब से लूज टिश्यू में भी हम दो बातें पढ़ेंगे. एक होता है एरोलार, एरोलार टिश्यू, और दूसरा होता है एडिपोज टिश्यू. एरोलार टिश्यू एंड एडिपोज, एरोलार एंड एडिपोज टिश्यू, एरोलार टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, राइट, एडिपोज टिश्यू एंड एरोलार टिश्यू. इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू वी विल डिस्कस अबाउट लिगामेंट एंड टेंडन, टेंडन. In a specialized tissue, we will also discuss here. A specialized tissue, we will discuss the three things. One is cartilage, cartilage, bone, and blood. Blood is also this type. Basically, these are called as skeletal tissue, and blood is called vascular tissue. But that is more specified classification that we don't need right now. हमें यही सीखना है कि basically loose connective tissue, dense connective tissue, और specialized connective tissue के ये सारे जो types हैं, ये अभी primary knowledge के लिए जानना होता है. जो विशेष knowledge होती है, उसमें फिर skeletal को ये divide करते हैं, cartilage, bone. इसमें वैस्कुलर टिश्यू को डिवाइड करते हैं, फिर रेटिकुलर टिश्यू आता है. इसमें भी रेगुलर और इरेगुलर के रूप में डेंस को डिफाइन करते हैं कि एक रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, कि रेगुलर होता है. उसके अंदर तो सारी क्लासिफिकेशंस और डिटेल्स बड़े क्लास में होती है. इस क्लास के हिसाब से हमें ये पांच चीजों के बारे में, चार तीन सात चीजों के बारे में, सेवन जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यू है, इनके बारे में हमें सीखना है, इनके बारे में हमें जानना है, राइट. तो ये बारी बारी से हम इनकी चर्चा करेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं और ये किस तरह का काम करेंगे आगे आने वाले में, और कहां कहां कौन किसको कनेक्ट करता है. तो एरोलार टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, लिगामेंट, टेंडन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये जो है लूज है, मतलब ये लूजली स्पेस्ड होंगे और यहाँ पे इतना ज्यादा ये टफ नहीं होगा, हार्डनेस नहीं होगी. यहाँ पे है ये डेंस स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो हार्ड होगा, टफ होगा. जैसे कि हमने कहा था कि जो मैट्रिक्स होती है वो अलग अलग टाइप का होता है, और ये स्पेशलाइज्ड है. इसमें दोनों तरह की भी है, कार्टिलेज भी है, बोन है. जो हार्ड है ये हार्ड होगा, हार्ड टिश्यू. ये क्या है, ये फ्लूइड है, फ्लूइड लाइक दिस है. तो यहाँ पे फ्लूइड है, कार्टिलेज है, ये सॉफ्टन है. ये कंपेयर टू बोन दे आर सॉफ्ट, सॉफ्ट, सॉफ्टन होती है थोड़ी, एज कंपेयर टू बोन. बोन जो होता है ज्यादा हार्ड होता है, कार्टिलेज जो होता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है. तो ये ज्यादा हार्ड होता है. बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर, जब आप एक स्पर्म से आदमी बनता है, तो जब स्पर्म होता है तो उसमें अंदर क्या होता है, शुरुआत में कार्टिलेज बनते हैं, और कार्टिलेज ही बाद में टफ होकर के बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं. आपको पता होगा, और जैसा कि बेसिक नॉलेज में आपको बताई गई होगी, या नहीं पता है तो आप जान लीजिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर लगभग 270 टाइप के कार्टिलेज जो होते हैं वो बोन में कन्वर्ट हुए होते हैं, और बाद में धीरे धीरे घट के उनकी संख्या, जब जैसे बच्चा मैच्योर हो जाता है, एक एडल्ट के अंदर 208 जो टाइप का बोन रह जाता है. यानी इनिशियली कार्टिलेज इज फॉर्मड, दे आर सॉफ्ट, बट व्हेन दे बिकम हार्ड दे आर कन्वर्टेड इनटू बोन. तो ये जो है वो कार्टिलेज से बोन में, कार्टिलेज जो है कंपैरेटिवली सॉफ्ट है, ये है वो थोड़ा हार्ड है. ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप एरोलर और एडिपोज की बात करें, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो लूजली स्पेस्ड होते हैं. वैसे तो सारे के सारे ही लूजली स्पेस्ड होते हैं, बट इनकी मैट्रिक्स अलग अलग होती है, बिकॉज देयर मैट्रिक्स आर डिफरेंट एंड देयर फॉर द टिश्यू आर डिफरेंट. सो मैट्रिक्स में हमने कहा था कि बेसिकली मैट्रिक्स में दो तरह की चीजें होती है. एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है, एक फाइबर होता है. ग्राउंड सब्सटेंस में क्या क्या होगा और फाइबर कैसा होगा, ये दोनों चीजें डिपेंड करता है कि टिश्यू किस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू बनेगा. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द
loose connective tissue one by one. And first of all, we are going to discuss areolar tissue and what is about the areolar tissue. So this is a type of areolar tissue, and you can see here, you can observe this type of areolar tissue. This is a areolar tissue, and here this has a reticular fiber, and collagen fiber are basically there to ground substance and fiber substance, that is the matrix of this areolar tissue. Reticular fiber and collagen fiber are present, and their structure are like thread like structure is like this. This is the fiber structure which has been observed in by microscope. तो इस तरीके से ये फाइब्रोब्लास्ट और जो बाकी के माइक्रोफेज, ये जालीदार जो है फाइबर जिसकी हमने बात किया था कि रेटिकुलर फाइबर होगा, कोलाजन फाइबर होगा जो कि पूरी तरह से प्रोटीन से बने होते हैं सारे फाइबर्स, और ये इलास्टिक फाइबर क्या जो होते हैं वो इसमें थोड़ा कम होते हैं, क्योंकि ये किसका इसका काम क्या है, इसका काम है ये स्किन और मसल के बीच में जोड़ने का काम करता है. तो इसलिए इसमें लिखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में. पहले लिखते हैं कि व्हाट इज एरोलार टिश्यू. इट कनेक्ट्स, इट इज फाउंड इन बिटवीन मसल एंड स्किन comma nerve and vessels, between vessels and nerves, and in bone marrow they are found, and in bone marrow में इन तीन जगहों पे ये मिलता है ये टिश्यू. और ये क्या क्या काम करता है, तो इसके काम के बारे में बात कर ले. तो पहला ये कि इट फिल्स द स्पेस बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स. एक तो ये काम करता है कि जितना भी इंटरनल ऑर्गन के बीच में स्पेस होता है उसको ये फिल करता है. दूसरा, इट सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स. एंड तीसरा जो काम करता है, इट रिपेयर द टिश्यू. सो ये जो है ये कनेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन में, बेसिकली एरोलार जो होता है वो इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है. इंटरनल ऑर्गन के खाली जो जगह होती है उसको ये भरता है, और ये टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है. इट बाइंड्स स्किन टू मसल्स. तो ये इनके काम है, ये चार काम है. इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दिस. इनकी करेक्टरिस्टिक जो है वो है ये करेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या क्या है. एक तो इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें बहुत सारा स्पेस होता है, लूजली स्पेस्ड. ऐसा ही लूज कनेक्टिव टिश्यू है, सो लूजली स्पेस्ड, राइट ना, बहुत ज्यादा इसके अंदर स्पेस होता है, लूजली स्पेस्ड. दूसरा इसका करेक्टरिस्टिक क्या, एनफ एम्प्टी स्पेस होती है. और तीसरा जो करेक्टर है, ये बहुत एबंडेंट में पाया जाता है, एबंडेंट इन ब्लड वेसल में मिलता है. तो ये सारा चीज जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स है. एरोलार टिश्यू के बारे में हम सीख चुके हैं, एरोलार टिश्यू क्या है, क्या इनका स्ट्रक्चर है और कहाँ मिलता है. इसके ये जो मेन कंपोनेंट है कोलाजन फाइबर क्या करता है जी, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, दिस प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ. ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट, कोलाजन फाइबर और ये रेटिकुलर फाइबर में यही बेसिक डिफरेंस है. कोलाजन फाइबर प्रोवाइड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ,
So this provides high tensile strength. Tensile strength, right? And this is provide this mesh like structure. This may high sugar content hota hai. High sugar content, it support basically content hoti hai iske andar. तो रेटिकुलर फाइबर में हाई सुगर कंटेंट होती है, इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है. ये स्किन के लेयर के नीचे पाया जाता है एरोलर टिश्यू, और ये स्किन को बाइंड करने का काम करता है. स्किन और मसल के बीच में, स्किन के नीचे वाले लेयर में मिलता है और स्किन और मसल को बाइंड करने का काम करता है. इसके अलावा जो दूसरा है वो है एडिपोज टिश्यू. तो एडिपोज टिश्यू क्या है, वो एक इस तरह का टिश्यू होता है. इसके बारे में भी हम सीखते हैं एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू क्या है और ये किस तरह से काम करता है. तो ये जो डायग्राम दिखा रहे हैं एडिपोज टिश्यू के, इस सेल्स को एडिपोसाइट्स कहते हैं. सेल जो होती है एडिपोज टिश्यू के, सेल्स को कहते हैं एडिपोसाइट्स. और ये न्यूक्लियस है, ये फैट डुप्लेट है. ये क्या करता है, इसमें भी बहुत स्पेस होती है और इस स्पेस में ये स्टोर करता है फैट को. ये फैट को स्टोर कर रहा है और फैट को स्टोर करने से इसकी वजह से क्या होता है, आदमी की मोटापा आती है. ये सेल्स कुछ इस तरह का होता है. और ये कहाँ पाया जाता है, एक ये जो ब्रेस्ट होता है वहां पे ये मिलता है, ब्रेस्ट के आसपास मिलता है ये एडिपोज. और एडिपोज टिश्यू कनेक्ट करता है, ये भी स्किन को कनेक्ट करता है. स्किन के नीचे वाले लेयर में होता है और यहाँ पे जब फैट जमा हो जाता है तो आदमी में के मोटापे में वृद्धि हो जाती है. दे कैन बी हेल्दी. और इस तरीके से एडिपोज टिश्यू के एडिपोसाइट सेल्स मिल करके और एडिपोज टिश्यू बनाते हैं. इनकी फंक्शन और करेक्टरिस्टिक क्या क्या है इसके बारे में अब हम से. इट इज फाउंड below the skin and between internal organs. It is found between below the skin and between internal organs, right? And it is what it store. It store fats. Fat को स्टोर करता है. इट स्टोर फैट्स एंड फैट स्टोरिंग बेसिकली दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड फैट स्टोरिंग सेल. दैट इज कॉल्ड फैट स्टोरिंग सेल टिश्यू. फैट स्टोरिंग टिश्यू इसको कह सकते हैं क्योंकि ये स्टोर करता है फैट को. ऐसा इसलिए कि द सेल ऑफ दिस the this tissue that is cells of the tissue store with the cells of the tissue filled with fat globules tissue filled with fat globules, right? Fat globules. So इससे ये क्या होता है, होता है it act as insulator. It acts as insulator. यानी आप देखेंगे कि कोई अगर बहुत ज्यादा मोटा है और एक दुबला आदमी है तो मोटे आदमी को ज्यादा गर्मी लगती है. अगर एक ही टेम्परेचर में जाएं तो मोटे को ज्यादा गर्मी लगेगी और पतले को कम लगेगी. इसी तरह से अगर जाड़े के दिनों में जाएंगे तो मोटे को ठंडी कम लगेगी और पतले को ठंडी ज्यादा लगेगी. अगर पतला थोड़ा सा एक दो कंबल ओढ़ के सो, एक कंबल ओढ़ के मोटा आदमी सो सकता है तो पतले को दो कंबल चाहिए. क्यों, क्योंकि ये जो फैट होती है वो स्किन के अंदर होता है और स्किन के अंदर होने से ये इंसुलेटर का काम करता है. ये अंदर के टेम्परेचर को बाहर और बाहर के टेम्परेचर को अंदर आने से रोकता है. एक इंसुलेटर की तरह ये काम करता है, ठीक है. इट प्रोवाइड्स नेक्स्ट स्टेज इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिंग पैड
to internal organs. Internal organs, right? It also store lipids. It store lipids. It store lipids, which is used as energy when it is required. When it is required. When it is required. Required. Right? So these are the basic functions. Where they are found? They are found in. Found in. Where found in? Found in. Found in. Sorry. In breast tissue, breast, in breast tissue, skin tissue, skin, below skin, and you can write below skin, and in bone marrow, right? So these are the specialty where they found and what they are doing. You got it and you are able to understand it. So adipose जो होता है वो insulating pad provide करता है यानी hot और cold से बचाता है. जिन लोगों के पास बहुत fat होती है, जो ज़्यादा मोटे होते हैं, उनको ज़्यादा सर्दी नहीं लगती और गर्मी थोड़ी लगती है क्योंकि अंदर से temperature जो है वो बाहर नहीं जा पाता है, exchange नहीं कर पाता है. गर्मी जब अंदर से होती है तो बाहर एक्सचेंज नहीं कर पाता है. एनीवे, सो आई होप यू गॉट इट एंड यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस दिस सेशन. दिस इज एनफ. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में. टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू वेरी मच. गॉड.